क्वेश्चन नंबर जो 15 है इसमें कह रहा है कि 5 कार्ड्स है, कितने कार्ड है टोटल 5, तो मैं यहां पर लिख देता हूं नंबर ऑफ टोटल कार्ड, लिख देता हूं टोटल कार्ड्स 5। याद रखना हमें यहां पर 5 गिवन किया है, अगर ऐसा गिवन नहीं करते तो अपन 52 कार्ड्स लेते, क्योंकि टोटल कार्ड कितने होते हैं 52, यहां पर हम क्या लेंगे सिर्फ 5 ही लेंगे। ओके कौन कौन से हैं वो भी आप बता दो भले ही, आइदर एक तो 10 है, एक जैक है, ए जैक ए 10, और ए क्वीन ए किंग एन एस, ये है। ओके अब अपने को पूछा क्या है, बारी बारी से बताना है। नंबर एक इसे मतलब व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कार्ड्स इज क्वीन, क्वीन होने की प्रोबेबिलिटी बतानी है, तो यहां लिख दूंगा प्रोबेबिलिटी फॉर ए क्वीन, तो यहां आएगा आउटकम्स कितनी क्वीन है, ये देखिए ओनली एक क्वीन भी है, वैसे कितनी होती अगर ये क्वेश्चन में 52 गिवन होता तो तब 4 होती, लेकिन अभी क्या होंगी ओनली 1। ओके तो यहां पर प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला आउटकम्स अपॉन में टोटल, एक होता है आउटकम्स कितने हैं, ये देखो 1 है तो 1 लिख दिया, टोटल कितने हैं ये रहा 5 तो ये 5 लिख दिया, हो गया पूरा। ओके नाउ अब ये आगे क्या करा है कि इफ द क्वीन इज ड्रॉन, आपने निकाला क्वीन निकल गई, क्या निकल गई क्वीन, पुट असाइड उसको उठा के साइड में रख दो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सेकंड कार्ड पिक्ड अप, अब जो सेकंड पूछा मतलब इसमें कह रहा है देखो ऐसे यहां से लिख देते हैं कि इफ द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड, ठीक है तो यहां पर मैं ए पार्ट को करूंगा, ए में किसका पूछा है एस की पूछ रहा है, तो यहां पर जब उसको अलग रख दिया पहले लिख देता हूं देन टोटल कार्ड्स, देखो टोटल कार्ड कितने थे 5 थे, उसमें से क्वीन निकली क्वीन को साइड में छोड़ दिया, तो इससे साइड में छोड़ने पर अब हमारे पास टोटल कार्ड कितने बचेंगे 5, क्वीन है निकाली तो कितने 5-1 मतलब 4, तो टोटल कार्ड्स यहां पर 4, ये 4 क्यों आया है इसी को समझना जरूरी है अदरवाइज आंसर गलत हो जाएगा, ये 4 इसलिए है हमने इस क्वीन को निकाला उसको असाइड कर दिया साइड में रख दिया मतलब। ओके तो यहां पर ए पार्ट को करते हैं, ए पार्ट में पूछा है एनएस, तो यहां लिख दूंगा प्रोबेबिलिटी फॉर एन एस, ओके एस के लिए प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो आउटकम्स ये देखिए एस कितने हैं, एस तो हमारे पास एक ही था, वैसे 4 होते लेकिन क्वेश्चन के मुताबिक एक ही है तो यहां 1 लिख दूंगा, अब लिख दूंगा प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू आउटकम्स अपॉन में टोटल, हो गया फॉर्मूला, आउटकम्स कितने हैं 1, टोटल कितने हैं ये यहां पर तो 5 है यहां पर 4, कौन सा लूं, हाँ ये वाला 4 लेना है वो 5 नहीं लेना, तो 1/4 आ जाएगा। ओके क्योंकि हमें ए पार्ट यहां इससे सेकंड सिचुएशन के बाद क्रिएट किया है, अब यहां पे बी पार्ट निकालते हैं, बी में क्या पूछा है ए क्वीन, तो यहां लिख देंगे प्रोबेबिलिटी फॉर ए क्वीन, लिख दिया, अब यहां पर सबसे पहले आउटकम्स कितनी क्वीन है, एक नहीं कह सकते क्योंकि एक अपन ने यहां से निकाल दिया तो यहां पर तो क्वीन बची ही नहीं, तो आउटकम 0 लिख देंगे, 0 क्यों, क्योंकि हमने क्वीन को असाइड किया नहीं लिखा साइड में इसलिए 0 लिया है। अब प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला आउटकम्स अपॉन में टोटल, आउटकम्स कितने हैं ये 0 ना कि वो वाला 1, 0 लेंगे और अपॉन में टोटल, टोटल कितना है यहां पर 5 है यहां पर 4, कौन सा लेंगे ये वाला लेंगे क्योंकि हमने बी पार्ट इसके सेकंड सिचुएशन से अकॉर्डिंग चलना है, तो ये लिख दिया 4, ये आ गया 0। तो इस तरीके से अपन ने क्वेश्चन नंबर 15 को कंप्लीट कर लिया, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है तो देखिए सिक्सटीन में कह रहा है कि 12 डिफेक्टिव पेंस, कितने 12, तो यहां पर लिख देता हूं गिवन है नंबर ऑफ डिफेक्टिव पेन कितने हैं 12, फिर कह रहा कि एक्सीडेंटली मिक्स्ड विद 132 गुड, तो नंबर ऑफ गुड पेन है ना कितने हैं 132, तो देन टोटल कितने हो जाएंगे, टोटल पेन्स
टोटल हो जाएंगे अच्छे और खराब दोनों तरीके के पेन कितने होंगे 12 + 132 एड किया तो 144 ये आ गया। अब इसमें क्या पूछ रहा है, इट इज नॉट पॉसिबल टू जस्ट लुक एट ए पेन एंड टेल वेदर और नॉट इट डिफेक्टिव वन पेन इज टेकन यहां से है डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट पेन टेकन आउट इज गुड वन। किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, गुड वन की निकालनी है। तो यहां पर लिख देंगे प्रोबेबिलिटी फॉर ए गुड वन, गुड पेन लिख देते हैं ठीक है, इसकी निकालनी है। तो यहां पर आएगा प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू आउटकम्स अपॉन में टोटल। ओके तो आउटकम्स कितने हैं गुड वाले, गुड वाले तो ये देखो 132 अपॉन में टोटल, ये वाले हैं कितने 144 लिख दिया। दोनों को कैंसिल करके देख लो ठीक है, तो किसकी टेबल से कर रहा हूं मैं 12 की टेबल से कैंसिल कर रहा हूं। देखो इस 132 को 12 से किया कितना आया 11 आ रहा है ना, तो 11 यहां लिख देंगे और ये 12 का स्क्वायर होता है तो 12 यहां लिख देंगे। ये होगा फाइनली अपना आंसर। अगर यहां पर डिफेक्टिव का पूछा होता तो क्या हो जाता 12 ऊपर नीचे 144 तब ऐसे मतलब 1/12। ओके आई होप 16 वाला भी अच्छे से समझ में आया होगा। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ।